होली की पूजा करके आ गए हैं, बहुत ही मन को सुकून मिला। उसी के साथ आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली, आज है छोटी होली और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी होली दोनों साथ, छोटी होली बड़ी होली सब कुछ साथ में कहते हैं दोनों एक साथ। तो मम्मी की दुकान भी खोल डाली है, ठीक है, हैप्पी होली सोनू। तो उसी के साथ अब हम हमारे रेगुलरली व्लॉग्स डालेंगे, थोड़ा लफड़ा चल रहा था इसलिए व्लॉग्स नहीं डाल रहे थे, पर अब डालने लगेंगे। प्रभात, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं बगदाना, आज है पूनम, आज मैं अभी वावड़ी में हूँ और बड़े दिनों बाद हाथ में कैमरा लिया है शूट करने के लिए, अच्छा लग रहा है। आपने होली का वीडियो देखा, हम होली खेलता तो हूँ नहीं मैं, इसलिए उसका वीडियो नहीं बनाया इस बार। सुया, अभी मैं और पापा जाने वाले हैं बगदाना और तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में पापा भी नहाने गए, फिर मैं नहाने जाऊंगा, सो बस निकलना ही है, तो चलिए रेडी हो जाते हैं। सो फाइनली मैं और पापा रेडी है बगदाना जाने के लिए, सो चलिए अब चलते हैं। और आज मैंने पहना है ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जैकेट, रेडी टू गो बगदाना। चलिए चलते हैं बजरंग दास बापा के धाम बगदाना। पापा रेडी हो चुके हैं और अब हम चलते हैं। पहुंच चुके हैं बारोली खोड़ियार माँ, यहाँ पर दर्शन करते हैं, श्रीफल वधेरेंगे, पप्पा डंके बजा रहे हैं जो आप सुन रहे हैं वो। चलिए अंदर चलते हैं, माँ घर से श्रीफल लेके आए हैं। पानी निकाल लिया, गिलास भी घर से लेके आए थे और ये है माता के त्रिशूल। और ये जो पानी है अभी थोड़ा गंदा दिख रहा है आपको, पर इसके अंदर बहुत सारे कछुए भी तैर रहे, मोबाइल में दिखाना पॉसिबल नहीं है। देखो कितना कच्चा सा मस्त नारियल है। दर्शन हो चुके हैं, पापा ने मेरे को कितना बड़ा सा टीका लगा दिया है। बढ़िया माँ के दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बगदाना की तरफ। धूप थोड़ी बढ़ रही है, सो बाल बाल कवर कर लेते हैं वापस से और निकलते हैं। हमारे अभी थोड़ा लंबा जाने का है, करीबन 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर। रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि पापा को फोन आ रहे थे, तो हम कभी भी ड्राइविंग करते हुए फोन पे बात नहीं करते, हमारे पूरे घर का ऐसा रूल है, तो हमेशा गाड़ी साइड में रोको और आराम से बात करो जैसे मेरे पापा कर रहे हैं। हम बगदाना पहुंच चुके हैं, अभी अंदर जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, पापा आगे चल रहे हैं, बड़ा लंबा सफर था। पापा जा रहे हैं श्रीफल लेने के लिए। सीताराम का प्रसाद ले रहे हैं चाय का, फिर आप बगदाना आ रहे हैं और आप चाय नहीं भी पीते हैं तो बापा सीताराम का प्रसाद तो जरूर लेना ही चाहिए। प्रसादी मिल गई है फिर से नारियल की।
ना पापा। टीका लगा लिया है, अब अंदर चलते हैं दर्शन करने। पापा मम्मी को वीडियो कॉल कर रहे हैं ताकि दर्शन हो जाए मम्मी को भी। दर्शन हो गए, पापा आ रहे हैं बस वहां से। ठीक है, वहां थोड़ा भीड़ हो गया था तो फिर मैंने कहा सबको परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरे दर्शन हो गए। पापा भी दर्शन करके आ चुके हैं। मैंने और पापा ने बढ़िया सा टीका लगा लिया है। पहले हम जाएंगे बड़े मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे प्रसादी लेने। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक भक्त है जो ऐसा गोल गोल जमीन पे घूमते हुए बापा के दर्शन करने आ रहे हैं। ये है अन्नपूर्णा माँ जो अन्न की देवी है। थोड़ा जल्दी आ गए हैं भगवान की प्रसादी लेने के लिए। शायद अभी तक शुरू नहीं हुआ, और शुरू हुआ होगा भी तो हम शायद पहले होंगे जो पंगत में बैठेंगे। चलो थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, हाथ बात धो लेते हैं। मंदिर के अंदर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, सो मैं अंदर का आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट हम जाके दर्शन करके आते हैं। भगवान खाना खा रहे हैं और अब हमारी बारी है प्रसाद लेने की। मैं दर्शन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। ये है बापा सीताराम बगदाना धाम का भवन, जहां पर सब लोग साथ में खाना खाने बैठते हैं, बड़ी बड़ी पंगतें लगती है। अभी हम भी यहां पर बैठेंगे और खाना खाएंगे। बोलो नमः पार्वती हर हर महादेव। थाली लग चुकी है, खाना हो चुका है, पप्पा प्लेट धोने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सॉक्स पहने इसलिए पप्पा जाएंगे आज धोने। इतना टेस्टी खाना था कि उसकी बात मत पूछो, आज तो मजा ही आ गया। और आज प्लेट धोने मैंने पापा को भेजा है। आरती खत्म हो चुकी है, हमारा खाना भी हो चुका है, पापा गुम हो गए, प्लेट धोने गए थे, अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अभी उनको फोन लगाता हूँ मैं और फिर उनको ढूंढता हूँ, उसके बाद हम भी यहाँ से चलेंगे। यहाँ आने का एक मजा ही अलग है। आज थोड़ा धूप ज्यादा है बट खाना बहुत अच्छा होगा, पेट ज्यादा ही कुछ भर गया है मेरा, और ऑल्सो बढ़िया से दर्शन हो गए, सो अब चलेंगे घर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और क्या, और लाइक बटन दबाए बिना मत जाना। एक लफड़ा हो गया है, पापा मिल नहीं रहे, कब से फोन भी कर रहा हूँ पर पापा का कोई अता पता है नहीं, पता नहीं चले ना गए हो तो अच्छा, उनका भरोसा नहीं है भाई मेरे को छोड़ के चले जाए ऐसे। फाइनली पप्पा मिल गए हैं। पप्पा कहाँ चले गए थे? बगदाना से निकल के अब हम जा रहे हैं भगुड़ा और फिर वहां से हम जाएंगे घर, मतलब वावड़ी। अभी मैं वावड़ी में रुका हुआ हूँ तो वहीं जाएंगे। हम आ चुके हैं माँ मोगल के धाम, अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। हम भगुड़ा आए थे, दर्शन हो गए माँ के, पापा भी पानी पी रहे हैं, मैंने पानी पी लिया है, अब हम घर जाएंगे।
गर्मी बहुत है भाई, पसीना इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है कि क्या बताऊँ, धुआं निकल गया भाई पसीने से। अब फाइनली चलते हैं घर। वैसे बीच में एक काम है छोटा सा, वो करके फिर जाएंगे। घर जाने के रास्ते में पड़ गया था तड़ाजा, तो हम आए हैं तड़ाजा की मार्केट में। आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही सतरंगी मार्केट है, बहुत ही वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं, बहुत अच्छी मार्केट है। Hey guys, good morning. So, कल हम बगदाना सब जगह घूम के आ गए, फिर बहुत थक गए थे और गर्मी भी बहुत हो गई थी तो सो गए थे, सो इसलिए कल कुछ व्लॉग नहीं किया। सो उसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि वापस इतना आप लोग सबका ध्यान रखे, और अगर चैनल पे नए हो तो लाल बटन को हरा कर दो, सॉरी ग्रे कर दो, और उसके बाद लाइक कर दो, कमेंट कर दो। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, कल मिलता हूँ आपको।